नाजीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त सॉल्ट लेक सिटी में मौजूद हूँ और सॉल्ट लेक सिटी में यहाँ पे ईद मिलाद की नमाज अदा की गई है और ये बेसिकली मस्जिद खदीजा है जहाँ पर मर्दों ने और औरतों ने एक वक्त नमाज अदा की है। ये जो ऊपर का पूछा देख रहे हैं ये बेसिकली खवातीन के लिए मुख्तस है और यहाँ नीचे मर्दों ने नमाज अदा की। और आप देखिए कि मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्ल के, मुख्तलिफ ममालिक का नाम रखने वाले मुख्तलिफ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन तमाम ही सिर्फ एक ही नारा बुलंद करते हुए आए हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक, लब्बैक इन्नल हमदा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और यहाँ कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है, कोई निचली जात का नहीं, कोई ऊंची जात का नहीं है, सब मुसलमान हैं माशाल्लाह और सब अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए यहाँ पर जमा हैं। मेरे लिए ये एक बड़े ज़बरदस्त तजुर्बे की बात है नाज़रीन कि मैं जाहिर है इस वक्त पहली मरतबा यहाँ पर सॉल्ट लेक सिटी में मस्जिद खदीजा में मौजूद हूँ और मेरा ये पहला टूर है यहाँ पर, लेकिन मुझे बड़ा लुत्फ आया यहाँ पर नमाज अदा करके। और ख़ास तौर पर जब मैं मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोगों को अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए एक ही वक्त में देख रहा था तो यकीन मानिए मेरे दिल में एक ख़ास तमानियत थी, एक ख़ास खुशी थी। और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमाज ईद अदा कर चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कि लोग जिस तरह से एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, जिस तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, ये यकीनन सिर्फ और सिर्फ इसी दीन का खासा है और इसी दीन के अंदर इतनी मोहब्बत और हलावत है जो मोहब्बतें और हलावतें सबको एक दूसरे के अंदर समेट दिया करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सर 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 दुआ करिए, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार आप लोगों का माशाल्लाह। जी मैं इधर ही हूँ, मैं बिल्कुल इधर हूँ और मैं एक्चुअली IVLP प्रोग्राम अटेंड करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन बस ये इस मस्जिद में चूंकि हमारा प्रोग्राम भी था, अभी थोड़ी देर बाद हमारी मीटिंग भी है, तो बस इसी सिलसिले में आए हुए थे, तो हमने कहा नमाज भी अदा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत लोगों का यहाँ पर प्यार है, लोगों से मुलाकातें भी हैं। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखें और आप तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।